आपको पता ही होगा कि डर्ट बाइक का प्रोजेक्ट मेरा पेंडिंग चल ही रहा है। ये अंकल ने मेरे को थोड़ा अलर्ट कर दिया। जिसके भी बात में थी वो BMW का बहुत हार्डकोर फैन रह चुका, तो अब वो रिएक्शन कैप्चर करना है कि भैया ये रिएक्शन कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज अपन जा रहे हैं फिर से इमरान भाई के यहाँ पे, क्योंकि सुबह फोन आया था कि आपके लिए एक बाइक आई हुई है, एक नहीं सॉरी दो बाइक है वहाँ पे। आपको पता ही होगा कि डर्ट बाइक का प्रोजेक्ट मेरा पेंडिंग चल ही रहा है, तो बाइक में ढूंढ रहा हूँ, तो फटाफट से पहुँचता हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 1:35, मतलब देख लो सुबह 10 बजे फोन आया था और मेरे को आते आते इतना समय हो गया कि अब क्या करें यार, दूसरे काम भी रहते हैं है ना पेंडिंग, तो फिर उनको भी निपटाना था। और आज मेरी जो जिप्सी रेडी हो रही थी उसको भी देख के आया हूँ, वो भी ऑलमोस्ट 70% रेडी हो चुकी है, क्योंकि जो पूरा कंसेप्ट है वो पूरा एक बार सब कुछ रेडी हो जाए फिर ही मैं उसको बताऊँगा पूरा आप लोगों को कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करने वाला हूँ। अरे सॉरी मैं स्टैंड भूल गया, अंकल ने मेरे को थोड़ा अलर्ट कर दिया। चलो कोई नहीं। तो मैं कह रहा था आप लोगों को, इमरान भाई के मैंने एक ब्लॉग भी बनाया है, एक या दो ब्लॉग बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो माई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वो भी वीडियो चेक करना। इनका सेकंड हैंड बाइक से बहुत अच्छा काम है और काफ़ी अच्छी डील मिल जाती है आप लोगों को। अगर आप कोई भी सेकंड बाइक लेना चाहते हो, चाहे रॉयल इनफील्ड हो चाहे कोई भी बाइक, तो इनके पास काफ़ी बढ़िया कलेक्शन है ना। मतलब बाइक से क्या देखो आती जाती रहती है, सिग्नल 5-4 सेकंड फटाफट से निकल जाते हैं भाई, नहीं तो फिर अभी काफ़ी सेकंड रुकना पड़ेगा। चलो 3 सेकंड है, मैं तो निकल गया है ना। और ये हम पहुंच गए हमारे इमरान भाई के यहाँ पर। पहले बाहर की तरफ था, फिर जो प्रॉपर्टी थी वहाँ पर पूरा उसको हटाई दिया, आप देख सकते हो है ना। तो वहाँ पे ये जो पहले इधर थी, अब उन्होंने घर के पास में ही कर लिया है, तो बाइक को यहाँ पर ही लगा देते हैं। दोस्तों इमरान भाई तो कहीं पे बिजी है, और यहाँ पे देखो बुलेट का इतना तगड़ा कलेक्शन है, यहाँ पे सारी क्लासिक खड़ी है, वहाँ पे थंडरबर्ड मिल जाएगी, यहाँ पे फिर से एक क्लासिक और अपाची भी काफ़ी खड़ी है, और जो डेली रूटीन के लिए बाइक चाहिए वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। और जो दो बाइक के लिए पर्टिकुलर मैं आया हूँ आप देख सकते हो, एक तो वो रही KTM ड्यूक 200 और एक ये है MT। अब भाई इस MT की अगर मैं बात करूँ तो ये जिसके भी बात में थी वो BMW का बहुत हार्डकोर फैन रह चुका, क्योंकि आपने यहाँ पे देखो ये यामा के लोगो की जगह BMW का लोगो लगा रखा है, तो मतलब भाई साहब बहुत हार्डकोर फैन होगा BMW का। ठीक है BMW नहीं पाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर MT पे ही उन्होंने BMW का लोगो लगा के अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। और एक जगह नहीं, एक और जगह वेरी गुड, यहाँ पर इंजन पर भी इन्होंने लगा रखा है। तो फटाफट से टेस्ट राइड लेते हैं दोनों बाइक्स की और देखते हैं कि जो मेरा पर्पस इन दोनों बाइक से सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी बाइक्स है सेकेंड, मतलब डेली मतलब बाइक्स आती रहती है जाती रहती है, मतलब पहले स्टॉक जो भी रहता है वो अपडेट होता रहता है, तो सारी चीज़ों के जाने के मतलब अभी इमरान भाई अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको प्राइस रेंज वगैरह नहीं बता पाऊँगा। बट हाँ मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर आराम से आ सकते हो, और जो भी आपको बाइक पसंद है आप यहाँ से लेके जाओ, और मेरा रेफरेंस लोगे तो आपको अच्छी डील तो इमरान भाई देने वाले ही हैं। और अब आप लोग एक बार सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए सारी बाइक्स का। तो दोस्तों अब चलते हैं, पहले टेस्ट राइड लेते हैं अपन इस नेकेड मशीन का MT-15, इसके बाद देखते हैं परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है। ये हमने कर दिया इग्निशन ऑन, और इसकी डिटेल्स तो इमरान भाई से ही फ़ोन पे बात करके पूछेंगे। और अभी ये बाइक चल रखी है 18,976। ओके और यहाँ पे थोड़ी सी डीप वाली जगह है, तो यहाँ थोड़ा सा आराम से निकालना पड़ेगा इस बाइक को। बाइक तो मतलब एकदम छोटी बच्ची की तरह लग रही है, बहुत ही लाइट वेट बाइक है।
भाई साहब लाइट वेट होने के साथ साथ बहुत ही बढ़िया पावर है यार इस बाइक में। क्योंकि इसमें जो इंजन यूज़ किया गया है वो है यामा की जो R15 आती है वही वाला इंजन ही है, तो पावर तो अच्छी मिल रही है और बाइक बहुत ही लाइट वेट है यार, मतलब इजी टू राइड है और एकदम मतलब पोस्चर भी ठीक है, मतलब छोटा मोटा लॉन्ग रूट कर सकते हैं आप 150 cc से तो क्या एक्सेप्ट करें, बट मेरा जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो वापस चलते हैं, अब यहाँ से ही आगे से यू टर्न ले लेते हैं और वापस चलते हैं इमरान भाई की शॉप पे और फिर जो वहाँ पे ड्यूक खड़ी थी उसका डिसाइड लेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि ये दोनों बाइक में थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे, फिर देखेंगे जो मेरा जो पर्पस है वो इन बाइक्स में सॉल्व होगा या नहीं या फिर कोई और देखते हैं। फिर थोड़ी सी यहाँ पर खींच के भी देख लेंगे इस बाइक को। भाई साहब पावर तो तगड़ी है क्योंकि लाइट वेट होने के कारण मतलब वो पावर अच्छा डिलीवर कर देती है मतलब, और ABS है तो टेंशन नहीं, सिंगल चैनल ABS है इस बाइक में आई थिंक, मैंने तो आगे वाले देखा पीछे में मेरा ध्यान गया नहीं, वो तो अभी जब बाइक खड़ी करेंगे जब देख लेंगे पीछे भी ABS है या नहीं है। और भाई बाइक तो एग्रेसिव है, पावर भी अच्छा खासा मिल रहा है, मतलब जितना इंजन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पावर सही मिल रहा है, कंट्रोल सही है यार, मतलब बैलेंस अच्छा है इस बाइक में। तो यहाँ पर हम पहुँच गए वापस इमरान भाई के शॉप पे, इसको खड़ी करते हैं वापस और फिर ड्यूक का टेस्ट राइड लेके देखेंगे कि ड्यूक कैसी रहेगी। सो दोस्तों अब टेस्ट राइड लेते हैं ड्यूक का और फिर इसके टेस्ट राइड लेने के बाद में ही अपन डिसाइड करेंगे कि कौन सी वाली बाइक सूट होगी या नहीं। और इस बार मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी खाली रोड पे जाएं क्योंकि ये ज़्यादा एग्रेसिव है उससे, तो रोड थोड़ी बढ़िया रहे तो ही मज़ा आएगा ना बाइक चलाने का। तो यहाँ पे सिग्नल मिल गया है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा और ये नॉन ABS बाइक है तो इसको थोड़ा केयरफुली चलाना पड़ेगा अपन को। भाई ये थोड़ा पावर इसमें थोड़ा फील हुआ, वो तो यार 155 cc की थी, ये है 200 cc, तो इसमें पावर थोड़ा सा बढ़िया मिल रहा है। और ये है BS3 तो फिर भैया पावर तो मिलना ही है तगड़ा वाला, ठीक है। अब जो KTM आ रही है मेरे को इतना पावर फील नहीं होता, जो BS3 के जितने भी इंजन थे KTM के, चाहे ड्यूक हो चाहे RC हो, वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थी सारी बाइक्स, वो अभी आपने देख लिया होगा जैसे मैंने टोटल दिया था, टोटल रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आ रहा है, बस वही है कि ABS नहीं है तो भैया थोड़ा सा केयरफुली इसको राइड करनी पड़ेगी। और देखो छोटा मोटा काम तो सेकेंड हैंड बाइक से तो दोनों में रहेगा और पावर उससे मेरे को बहुत ही सही इसमें लग रहा है, तो अब इसको वापस हैंड ओवर कर देते हैं। सो दोस्तों चलते हैं वापस, मेरे को ये रास्ते में 2-3 काम है, बाइक्स तो मैंने दोनों टेस्ट कर ली और भी अच्छा कलेक्शन था जो भी मैंने आपको कैप्चर कर लिया और सिनेमैटिक भी लिए हैं। एक्चुअली क्या इमरान भाई से बात करते बट वो अवेलेबल थे नहीं, चलो कोई नहीं, उनसे फ़ोन पे बात हो गई थी मेरी और वैसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो जिसको भी जो भी बाइक परचेज़ करनी हो वो इमरान भाई से कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब मैं भूल ही गया, मुझे अभी जाना है प्रियांशु की शॉप पे। तो भाई एक्चुअली क्या मैं अभी कल की बात है, मैं वहाँ पर गया था, हो गई एक दिक्कत क्योंकि वहाँ पर उसकी चेयर रखी थी, वो मैंने पूरे ब्लॉग में बताया फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को, तो वहाँ पर चेयर पर वहाँ पर कोई क्लाइंट आया हुआ होगा तो उसने अपनी बाइक की चाबी रखी, तो मैं वहाँ पे गया, मैंने अपना जो टैंक बैग है वो भी उसी चेयर पे रख दिया। अब टैंक बैग पे क्या मेरे नीचे लगे हुए मैगनेट जो क्या टैंक पे लगाने से वो चिपक जाता है, तो उसकी की पे जो रिंग होती है वो थी लोहे की, तो वो उस मैगनेट पे चिपक गई,
मुझे पता नहीं, मैंने बातें वगैरह की और मैं वहाँ से निकल गया, उस पर लगी हुई रही, मैंने देखा नहीं। शाम को जब हम हमारे फ्रेंड के शॉप पे गए थे एयरफोर्स, तो वहाँ पे पता विश्वेश्वर की नज़र पड़ी कि भैया ये चाबी कहाँ से लेके आए। और मैंने कहा और फ़ोन भी आया था, तो कोई नहीं अभी वो चाबी भी अपन दे देंगे और अपना जो भी एक काम है वो भी निपटा लेते हैं। तो पहले पहुँच जाते हैं एक बार प्रियांशु की शॉप पे, और सबसे बड़ी बात उनका रिएक्शन कैप्चर करना है कि भाई जो चीज़ हुई, उन्होंने फ़ोन भी किया, मैं मना कर दिया कि नहीं भैया मेरे पास तो नहीं है, और निकली मेरे पास ही चाबी, वो उनके जो भी क्लाइंट थे उसकी मोटरसाइकिल की। तो अब वो रिएक्शन कैप्चर करना है कि भैया ये रिएक्शन कैसा रहेगा। यहाँ पर आ गए और अब अंदर चलते हैं। हेलो जी, हाउ आर यू, क्या हाल चाल है? आपको पता है आपने मेरे को फ़ोन किया था किसी चीज़ के लिए? क्या हुआ था परसों? मेरे पास ही थी। अरे यार, मैं बताता हूँ, रुको ज़रा, आपको बताता हूँ वो मेरे पास कैसे आई। चेयर, इस चेयर पे रखी थी चाबी, चाबी चिपक गई यहाँ यूँ, ठीक है। मैं बैग उठाया, बैग टंकी पर रख दिया, मैं घूम रहा हूँ, मेरे को क्या पता। मैंने उस अंदर हो गया, अंदर चेक कर लिया, अंदर थी नहीं चाबी, यहाँ पे चिपकी हुई थी। अरे भाई अब यार यहाँ पे चिपक के पता ही नहीं चलेगा ना यार, अब यहाँ पे चाबी चिपकी, मेरे को क्या पता कहाँ है। मतलब यार गजब गजब वाला ही मास सीन हो गया क्या। ये रही भैया उनकी चाबी, कहाँ गई ये रही। ये रही अब यार चिपक गई यार, मैं क्या करूँ बताओ। फिर भी कभी आया तो पकड़ा देना उसको यार, मैं तो इसका क्या करूँगा। वो क्या है, कहावत है ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। और लिटरली मेरे को भी पता नहीं था, मैंने क्या एयरफोर्स में गए थे तो मैंने टैंक बैग से बैग निकाला, तो कहीं पर जा रहा था, विशेषकर साथ में था, उसकी नज़र पड़ी कि चाबी नीचे लटका के किसी घूम रहा हूँ। मैंने कहा यार कौन सी चाबी देखी, तो मैंने कहा यार ये चाबी, और मैंने कहा यार प्रियांशु भाई ने फ़ोन भी किया था, ये उनके कोई क्लाइंट की चाबी है। ठीक है प्रियांशु जी, आपकी अमानत आपको वापस दे दी गई है, ये रही वो अमानत। ठीक है भाई, तो कल मिलते हैं फंक्शन में। सो दोस्तों अब यहाँ से मेरे को जाना है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मुझे कोई काम से जाना है अर्जेंट, और अभी मैंने डाल दिया ये सीक्रेट रास्ता जो है हमारे विश्वेश्वर जी वाला, वहाँ से थोड़ा सा घूम के वापस सीधा इनसाइड जलोरी गेट और तेरी। तो आज का दिन काफ़ी बढ़िया रहा, सारे काम हो गए है ना, जो भी पेंडिंग थे वो भी निपटा दिए, इमरान भाई के वहाँ का भी काम ख़त्म हुआ, अब सिर्फ उनसे फ़ोन पे बात करके ही जो भी हो डिसीजन ले लेंगे, और प्रियांशु जी को भी उनकी अमानत संभाल दी, दे दी, मतलब संभला दी तो क्या। वो गलती से आ गई थी, अब क्या करें यार, हो जाता है, कोई ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। बट यार इस छोटी सी मेरे टैंक बैग के मैग्नेट के चक्कर में बेचारा, जिसकी भी बाइक की चाबी थी, प्रियांशु भाई बता रहे थे वो बेचारा मतलब 2-3 घंटे परेशान हुआ। अब यार अब क्या कर सकते, जानबूझ के तो कुछ किया नहीं, खैर कोई ना। सो दोस्तों ये बाइक्स के कलेक्शन जो मैंने आपको दिखाया, ये और ये मोटो ब्लॉग अगर आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर की फिर मत जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखो। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन, कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।